हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज एपिसोड। और आज इस एपिसोड में मैं आपको एक वॉइस एक्सरसाइज बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मुझे पता लगा कि दूसरे लोगों को भी दिक्कत आती है। मेरी एक फ्रेंड है सरोज, और उसने मुझे अभी कुछ दिन पहले कॉल किया। मतलब उसको कहीं रिकॉर्डिंग करके कहीं भेजना था। वहां पे उसको क्या था कि एक तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। वो कैसी प्रॉब्लम आ रही थी मैं आपको बताता हूं। ये वाली, बहुत सारे लोग मुंह में सलाइवा आता रहता है, उसके लिए वो लोग सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड में पच जैसे एक तरीके की पानी का साउंड आता है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करूं, जैसे कि अभी देखिए मेरे मुंह से आया, जैसे मैंने किया, जैसे मैं बात करते करते कभी कभी ऐसे कर देता हूं। तो इसको करने के लिए अगर आप को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस दिक्कत को आप दूर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर एक तो वो होता है जो आप लोग जो वर्ड्स होते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और पीटर इन द पैन, इन द पैन इन द पीटर, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ये एक टंग ट्विस्टर है कि जैसे कि आपका ये एक मुंह का एरिया है, जैसे आप इसको देखते होंगे, इसमें ऐसे, और इसमें एक जबान आपकी है, आपने रोटेट किया, मुंह थक जाता है, फिर उसके बाद वापस से दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, पहली चीज। इस एक्सरसाइज को करने से कि रेगुलर आपको करना पड़ेगा, और इस एक्सरसाइज को अगर आप 30 सेकंड भी कर लें, अगर आपने पूरे दिन के 24 घंटे के सेशन में अगर आपने 30 सेकंड भी आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया ना, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, फिर कभी ये दिक्कत आपको आएगी ही नहीं जो आपको आती थी। कभी कभी पच जैसे एक साउंड आता था पानी का, या जब आपका मुंह जो था वो सूखता था, उस सूखने के मुंह को सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वहां पे वो पानी डाल देता है, वहां पे वो पानी ले आता है, और उस पानी को सुखाना पड़ता है। एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की पहचान क्या होती है कि वो बहुत ज्यादा काम पोस्ट पे मत डाले, पोस्ट इन द सेंस यानी कि एडिटिंग पे मत डाले, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बात बताता हूं कि किस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को मुंह के अंदर ये जो एरिया होता है ये पूरा इसमें चलाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप 10 सेकंड 15 सेकंड भी इस एक्सरसाइज को करेंगे ना आप थक जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, डेफिनेटली आती होगी कभी ना कभी, तो इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। दूसरा, सेम प्रॉब्लम को एक तरीके से और भी हम लोग जैसे हाजमोला का चटखारा नहीं लेते थे हम लोग, वाला सलाइवो का पूरे एक साइड में लेकर आइए, ठीक है ना, और उस सलाइवा को आप लोग एक बार में चटखारा ले लीजिए, जितना भी अंदर पानी बन रहा होगा, जो थूक बन रहा होगा, जो सलाइवा आपका बन रहा होगा, सलाइवा वो आपको दूर हो जाएगी दिक्कत। एंड आई होप कि आपको ये दो एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म करेंगे, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको जो दूसरी वाली बताई थी जिसमें चटखारा लेना था हाजमोला का, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब भी आपका फंबल हुआ करे, या जब भी आपकी वॉइस थक जाया करे, या मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, या आपकी जबान जो है वो सूख रही है, तो आप एक बार पूरे मुंह को जबान से घुमाएं एक बार ऐसे, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपके मुँह में सलाइवा नहीं आएगा। और अगर ये वाली आपने एक्सरसाइज कर ली, जो मैंने टंग ट्विस्टर बताया है, टंग को ट्विस्ट करना है इन अ माउथ, वहां पर फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये दो एक्सरसाइज आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की सख्त ज़रूरत है, तो मेरी ज़रूरत को पूरा करिए और उस लाल वाले बटन को जिसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है उसको दबाइए, ताकि और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचे। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, ताकि मैं और ऐसी एक्सरसाइज वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो मुँह में सलाइवा के लिए ऐसे करिए। थैंक यू।